मैसेज देना चाहता हूँ कि काइंडली आप लव बर्ड से ना घबराएं, लव बर्ड कहीं नहीं जा रहा। ये लोग ये सारे जो कह रहे हैं कि लव बर्ड गिर गया ऐसा कुछ नहीं है, लव बर्ड में आए और एक तहम्मुल के साथ आए, थोड़ा पेशेंट लेके आए। लव बर्ड को रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिलीव करें एक आसान सा तरीका है, बस वेंटिलेशन देख लें शेड के अंदर और एक हवा क्रॉसिंग कर लें। आप बिलीव करें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही ब्रीड करेंगे। 2015 से मैंने स्टार्ट किया था, 2019 में मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो मैंने 4 लाख रुपए लगाया था। तो बिलीव करें 4 साल के अंदर मैंने 10 मिलियन की एसेट मेरे पास मौजूद हो गया, और इसके अलावा मैंने बड़ा कुछ अर्न भी किया इनके अलावा भी। तो इससे घबराएं मत, ये आपको कहीं नहीं जाने देता, ये आपको स्टेबल करेगा और रखेगा और इसमें पैसा कमाएंगे। भाई बड़े दोस्त भाई ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, और भाई अभी करो, इसको करो, बहुत फायदा है। अपने घर से निकलो तो अल्लाह पाक रहमत भी करते हैं और फजल भी करेंगे, तो इसमें अभी लेट ना करो, फौरन से आ जाओगे पैसा कमाना। तो महंगाई का इतना दौर है, तो आप, मैं नहीं कहता लाखों लगाएं और लाखों करोड़ों कमाएं, आप हजारों लगा के लाखों कमा सकते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल मेरे पास जोड़ा है, वो आपको बता रहे 95, 85 या 90 तक कॉस्ट करता है, उसमें से एक बच्चा ग्रेड ही आ जाए तो 1 लाख रुपए का है। 2-3 बच्चे आए तो 2-3 लाख रुपए उससे आ जाएगा, आपका चूल्हा अच्छी तरह अगर घर का जो चूल्हा अच्छा चल जाएगा उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेजबान बशर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमए इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन आज बिलाल साहब के सेटअप पे हम मौजूद हैं, तो आइए इनका सेटअप आपको विजिट करवाते हैं और इनसे जानते हैं कब से ये फार्मिंग कर रहे हैं, तमाम तरह मालूमात से भी आपको आगाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। ये से ठीक है आप? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा और लोकेशन से भी आगाह कीजिएगा। मेरा नाम बिलाल है, मैं बिलाल अकरम है और मेरा फेसबुक पे बर्ड के नाम से बिलाल अरबी के नाम से मेरा पेज है और मैं समझदार ई ब्लॉग में रहता हूँ लाहौर। तो सर जी शौक पैदा कैसे हुआ, कैसे आप बर्ड की हॉबी में इन हुए? शौक तो इसका बचपन में था मुझे, तो उसको मैं लेके चलता रहा, फिर 2019 में आके मैंने इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया। तो बिजनेस में जब कन्वर्ट किया तब देखा कि भाई इसमें तो एक बहुत अच्छा अर्न है, रिटर्न अच्छा, है और बड़े शॉर्ट टाइम में, तो फिर उसको हम प्रॉपर बिजनेस की तरफ मैंने फोकस किया और उसको बिजनेस में किया भी और डेवलप भी किया माशाल्लाह। तो ऐसा बिजनेस ये कैसा है? ऐसा बिजनेस सबसे बेस्ट है जी, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि देखिए छोटे से इन्वेस्ट से आप बहुत बड़ा अर्न ले लेते हैं और 3-4 साल 5 साल के लिए होता है और एक शॉर्ट टाइम में आपको एक अच्छी अमाउंट वापस रिटर्न आ जाती है, प्लस कर लेते हैं, तो बहुत बेस्ट बिजनेस है ये। तो स्टार्टिंग में आपने फिर कैसे जो है अपने स्टार्ट लिया है? स्टार्ट तो मैंने नॉर्मली ये जो कमर्शियल बर्ड से लिया था जिसमें 8-10 पेयर लगाए थे, बट म्यूटेशन का पेयर भी 2 ऐड किए थे, तो कमर्शियल ने मुझे थोड़ा बैकबोन दी और म्यूटेशन ने मुझे अर्न दिया, इन्वेस्ट दिया, अच्छा पैसा दिया जिसको मैंने आगे इन्वेस्ट किया और मजीद बर्ड परचेज किए। जबरदस्त। तो उसको लेकर चल रहे आप मालूम जिला मेरे पास 10 मिलियन बर्ड पड़े हैं। तो कितना अर्सा हो चुका है आपको इस बर्ड की हॉबी में? बिजनेस में कन्वर्ट किए हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और वैसे हॉबी में आया 2015 में आया था मैंने। माशाल्लाह 2015 से आप काम कर रहे हैं? बर्ड के अंदर काम है बिल्कुल। माशाल्लाह इसके अंदर आपको काफी ज्यादा नॉलेज आ चुका होगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी मेंटेन कर रहा होता है। तो कौन कौन से बर्ड आप ब्रीड करवा देते हैं? मेरे पास बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ जो है ना उसमें समझ में ब्लैक का ही अल्बाइनो से लेकर मेरे पास एक्वा ऑफलाइन पेन कलर तक है और उसमें सारी म्यूटेशन है मेरे पास, नॉन फेलो है, स्लेटी है, मिस्टी है, ऑफलाइन है, उसके बाद मैं हर तरह की म्यूटेशन मेरे पास अवेलेबल है और मैं सारी म्यूटेशन ब्रीड करवा रहा हूँ। सही हो गया। तो यानी कि 8 साल आपको माशाल्लाह से हो चुके हैं बर्ड की हॉबी में, तो ज्यादा मजा आपको कौन से बर्ड ब्रीड करवा के आया जिसे ये ब्रीड माशाल्लाह बहुत ज्यादा देते हैं और मजा भी आता है उनको ब्रीड करवाने में? लव बर्ड सारी ब्रीड होते हैं लेकिन जो मजा है ना जो कहते हैं वो मैं कहता हूँ म्यूटेशन में है, क्यों? उससे पैसा अच्छा आता है। अच्छा, यानी कि म्यूटेशन में पैसा अच्छा था? पैसा और वो किसी की बात है, वो होता है बर्ड सारी ब्रीड अच्छे करते हैं, तेल करो अपनी जगह ब्रीड करते हैं, डांस करो, ये तो अल्लाह पाक करते हैं कौन बर्ड ब्रीड करे कौन नहीं। सही हो गया। आप इन्वेस्ट के लिहाज से कहते हो म्यूटेशन बर्ड आपको ज्यादा अच्छा लगता है? बिल्कुल। अगर टाइम जाया करना हो या पैसा कमाना हो तो फिर किस तरफ जाना चाहिए? टाइम जाया करना हो तो फिर आप कमर्शियल बर्ड में जो 4-5 जोड़े लेके बैठे रहे वो महीने का आपका चलता रहेगा, तो वो 30 का निकलता रहेगा। अच्छा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं फिर आप म्यूटेशन में आए जो कि मार्केट में देखते हैं, पहले सर्च करें कि मार्केट में इस वक्त कौन सा बर्ड इन डिमांड है, वो परचेज करें, वो एक जोड़ा ही आपको अच्छे पहले पैसे देगा, जितने आपको 10 जोड़े भी देंगे वो एक जोड़ा दे देगा। बिल्कुल। तो डिमांडेड बर्ड कौन से होते हैं? डिमांडेड बर्ड सब तेल फेलो प्लांट बहुत डिमांड में जा रहा है, डन फेलो बहुत ज्यादा डिमांड में जा रहा है, सल्यूट है, स्लेटीज है, उसके बाद तो ये सारे डिमांडिंग बर्ड है, हर एक बर्ड का एक साल होता है, ट्रेंड होता है, तो ये ट्रेंड चलता रहता है। रेड आई बर्ड वैसे कोई भी है, चाहे अल्बाइनो ले लें उसमें तेल फेलो भी आ जाता है, फिर डन फेलो भी रेड आई बर्ड है, तो रेड आई बर्ड कहीं भी नहीं जाता, वो इजीली होगा जितना ऑर्डर से आप लगाएं। बिल्कुल। तो अभी इस साल का जो हेडलिस्ट पे जा रहा है माशाल्लाह से बर्ड,
जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग कहते हैं यार ये मुझे दे दो मुझे दे दो, वो कौन सा बर्ड है भाई? वो पेल फेलो फ्लाइन है और डन फेलो है। तो सर जी उसकी जो डिमांड है उसकी बहुत ही, और उसकी अपना रेंज भी तो काफी ज्यादा है, एक आम बंदे की रेंज भी नहीं है अभी इसलिए तो बात है। हाँ पेल फेलो की रेंज बहुत ज्यादा नहीं है, आप उसमें वीडियो ना बढ़ लें, आप स्प्लिट का स्प्लिट ले लें। मैंने घर में पेल लगाया हुआ अपना, मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैंने स्प्लिट टू स्प्लिट का लगाया हुआ है और बिलीव करें वो जोड़े की कॉस्ट बाप मुझ पर 80,000 है। अच्छा, और उसमें से मुझे दो बच्चे अभी तक आए हैं जो पहले बैच में, और दोनों बच्चे कॉस्ट मैंने 2,20,000 के सेल किए। 80,000 का पेड़ और 2,20,000 के आपने सेल कर दिया उसको, अब इसलिए उसमें से पेल कैसे की है मैंने, जो वो जो रेड बर्ड एक भी आ जाएगा ना तो आपकी जो कॉस्ट पूरी है, कॉस्ट पूरी है। सर ये कॉस्ट पूरी करनी किस तरह होती है, ये बर्ड को ब्रीड करवाना कैसे होता है, यानी कि म्यूटेशन लगाने का जो तरीकाकार होता है ना, वही तो मेन फोकस होता है। इनका तरीकाकार कोई भी नहीं है म्यूटेशन ब्रीड करवाने का। आप जैसे कमर्शियल बर्ड ब्रीड करवाते हैं ना, वैसे ही आप म्यूटेशन ब्रीड होती है, वही दाना उनको जाता है, वही दाना उनको जाता है, सेम टाइम देना पड़ता है, सेम टाइम हर चीज वही है, एनवायरमेंट वही है, तो बस वो राइट दिन मतलब यार ये महंगा बर्ड है सस्ता, बस ये एक इंसान का डिफरेंस दिमाग में रहता है। और यानी कि अपने माइंड की जो सिचुएशन है, आप जहां कर ले, अब मैं डन फेलो भी मेरे पास रीड हो रहा है, एक्वा प्राइम भी हो रहा है और एल्बिनो ब्लैक भी हो रहा है, तो मेरे लिए सारे सेम है, सही हो गया। इस साल जो एक्वा है बहुत ज्यादा मतलब लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो एक्वा जी आगे आप क्या मतलब देखते हैं आगे अगले सालों आने वाले चंद सालों में कहाँ तक मतलब ये जाएगा? डन फेलो भी इस टॉपिक पे होगा, एक्वा एक ब्यूटीफुल बर्ड है, मैं कहता हूँ उसमें मैंने जो एक्वा पाइन पेल फेलो देखा हुआ है ना, जो बहुत प्यारा बर्ड है बस आ गया, तो उस एक्वा प्लाइन बहुत बेस्ट बर्ड है। अभी येलो फिक्री बर्ड एक बर्ड आ रहा है, येलो फिक्री वाला वो भी एक अच्छा आने अपकमिंग म्यूटेशन है। अच्छा, तो बाकी डन फेलो भी डिनाइनिंग का डिलीवर भी आपका बहुत अच्छा, अभी डिलीवर पेल फेलो में जा रहा है, पेल फेलो ये 4-5 म्यूटेशन जो है ना आपको कभी कहीं नहीं जाना देती, आपके पास ही रहेंगे 5-7 साल आप इजीली से कमा सकते हैं। आपके पास काफी ज्यादा जुड़े लगे हुए हैं, तो क्वांटिटी क्या आपके जो मतलब बर्ड लगे हुए हैं? यार मेरे पास पेयर अभी 52 है, मैंने इससे बढ़ाने भी नहीं है, इनमें 10 पोस्टर है, बाकी मैंने तमाम म्यूटेशन के दोनों जोड़े लगाए हुए हैं। अच्छा, लगाए हैं अच्छे बर्ड की पहचान कैसी होती है? क्वालिटी है, आपको फेसबुक बढ़ी है, लोग बने पर सबको बेचना चाहिए, बर्ड बैकग्राउंड तो प्यारा हो, उसकी जो क्वालिटी है मुकम्मल होनी चाहिए, दादी बनो अप्लाई ना, तो उसके फीचर देखने पड़ते हैं, उसकी फिक्स चेन मार्किंग है, डिलीवर उसके फ्लाइट फीचर देखने पड़ते हैं, फूड देखने पड़ते हैं, हर तरह की कैटेगरीज है, अवेयरनेस सब तो है, बस ये का पैसे का थोड़ा इशू आ जाता है, अच्छा बर्ड कोई भी सस्ता नहीं देता, नहीं देता बिल्कुल, बस ये वेन करके तो आप अच्छा बर्ड ले जाएंगे तो फिर पैसे दे आपकी मर्जी, बर्ड मेरी मर्जी, बर्ड मर्जी फिर आपके पास बर्ड अच्छा आएगा।